खबर श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के अकबरपुर गौशाला से है, जहां पर बाइक पर ट्रैक्टर पलट गया, जिसके चलते बाइक सवार एक बुजुर्ग चोटिल हुए। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकोना इलाके के अकबरपुर गौशाला के पास से है, जहां पर इकोना इलाके के खर्च बिरान निवासी बुधराम यादव पुत्र राम सागर अपने पुत्र राम रंगीले यादव के साथ बाइक पर सवार होकर बलरामपुर से वापस अपने गांव लौट रहे थे। जब वो बीरपुर इकोना मार्ग के अकबरपुर गौशाला के पास पहुंचे, तो विपरीत दिशा से आ रही ईंट लाद कर ट्रैक्टर ट्राली का पहिया निकलने से बाइक सवार पर ही ट्रैक्टर पलट गया, जिससे बाइक पर पीछे बैठे वृद्ध को चोटें आईं। ऐसे में 65 वर्षीय बुधराम यादव गंभीर रूप से घायल हुए। आसपास के लोगों ने उन्हें उठाकर इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचाकर भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उनका दवा उपचार शुरू किया और एक्सरे के लिए उन्हें रेफर कर दिया। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के इकोना बीरपुर मार्ग अकबरपुर गौशाला के पास का यह पूरा मामला है, जहाँ पर बाइक सवार बुजुर्ग को ट्रैक्टर के चलते चोट आई और ऐसे में उन्हें इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती कराना पड़ा, जहां पर डॉक्टरों ने उनका दवा उपचार शुरू किया। बताया जा रहा है ये बलरामपुर आंख दिखाने के लिए गए हुए थे और अपने बेटे के साथ वापस अपने घर लौट रहे थे। जब वो अकबरपुर गौशाला के पास पहुंचे, तो ये घटना हो गई, जिसके चलते उन्हें आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस की सहायता से इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार किया और एक्सरे की बात बताते हुए उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके की घटना।